नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी दो साल पहले ही यूपी मिशन 2024 की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। हरमोहन सिंह यादव के जरिए सपा के यादव वोट में सेंध लगाने का जो मिशन था वो लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही बीजेपी हरमोहन परिवार को साध लेती है वैसे ही उसका यादवों के 74% वोट बैंक पर कब्जा हो जाएगा और अखिलेश की राजनीति लगभग खत्म। आज आपको बताएंगे यूपी के यादवों का असली गणित क्या है। जिन यादवों के ऊपर अखिलेश राजनीति करना चाहते हैं वो केवल 2% है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक का विस्तार करना शुरू कर दिया है। आमतौर पर यादवों को यूपी में समाजवादी पार्टी का वोटर और कट्टर समर्थक माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी ने इस सपा के इस वोट बैंक पर सेंध लगानी शुरू कर दी है ताकि अखिलेश यादव को 2024 में बड़ा झटका दिया जा सके। इसी कड़ी में आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। ये बीजेपी का बड़ा कदम माना जा रहा है। असल में हरमोहन यादव सिंह के दिग्गज और यादवों के एक छत्र नेता माने जाते थे। उनका परिवार राजनीति में है। कहा जाता है कि राजनीति में मुलायम सिंह को स्थापित करने में हरमोहन यादव की बड़ी भूमिका रही। बताया जा रहा है कि सपा की अब यादव में पकड़ कमजोर हो रही है और बीजेपी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। यूपी विधानसभा, विधान परिषद और 2 लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी की नजर सपा की वोट बैंक पर है, लिहाजा अब बीजेपी यादवों पर फोकस कर रही है। क्योंकि अगर यूपी में यादवों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया तो राज्य में सपा के साथ कई सियासी दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए यादव के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले हरमोहन सिंह यादव की 10 पुण्यतिथि पर आज पीएम मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। असल में हरमोहन सिंह यादव के बेटे सुखराम यादव अभी सपा में हैं और पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, जबकि सुखराम सिंह यादव के बेटे मोहित यादव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सुखराम सिंह यादव भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल यूपी में यादव जाति की 2 उपजातियां हैं और इनमें एक है घोसी और दूसरा है कमरिया। मुलायम सिंह कमरिया यादव हैं और इसका यादवों की कुल आबादी में 25% हिस्सा है, जबकि घोसी यादवों की आबादी 74% है। चौधरी हरमोहन सिंह घोसी यादव से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा बीजेपी हरमोहन सिंह यादव के बहाने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत हरमोहन के पोते मोहित यादव को पार्टी में शामिल कर चुकी है, जबकि हरमोहन के बेटे और सपा से पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुखराम यादव को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था और पार्टी को स्थापित करने में उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अगर जातिगत आंकड़े देखें तो यूपी में यादवों की संख्या ओबीसी वर्ग में 20% है, जबकि कुल आबादी में यादव करीब 9% है। लेकिन राज्य में सत्ता बनाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। अभी तक सपा यादव और मुस्लिम समीकरण के बल पर ही 4 बार सत्ता में आई है, लिहाजा बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक है। क्योंकि यादव की कुल आबादी का 75% घोसी यादवों का है, यानी 6 से 7% वोट बीजेपी इसी रणनीति के तहत हरमोहन सिंह यादव के जरिए यादव वोट बैंक पर सेंध लगा रही है। हरमोहन सिंह यादव की यूपी के यादवों में अच्छी पैठ थी और वो अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी पहल पर यादव महासभा में यादवों के सार्वभौमिक नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव को स्वीकार किया गया। इसके बाद से ही मुलायम सिंह यादव यादवों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे, लेकिन उनके सुपुत्र ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, जिस कारण ये वोट बैंक उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है।